आजकल युवाओं में रील्स वीडियो बनाने का भूत कुछ इस कदर सवार है कि वो वीडियो बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आलम यह है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने की चाहत में युवक अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए कई खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक वीडियो धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर दो युवकों ने रील वीडियो बनाने के लिए उफनती गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिस पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए चालानी कार्रवाई की गई। बता दें कि हरिद्वार जिले के बैरागी कैंप कनखल के निवासी चेतन कुमार और आकाश पांडे ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उफनती गंगा नदी में छलांग लगाते हुए रील वीडियो बनाई और इसके बाद दोनों ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, जिसके चलते रील्स खूब वायरल होने लगी, जिसे कई लोगों ने देखा और अन्य लोगों के साथ शेयर भी किया। तभी इसी बीच यह रील्स हरिद्वार पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों युवकों की पहचान करते हुए उन्हें कोतवाली बुलाया गया, जहां पर दोनों युवकों ने पुलिस प्रशासन से माफी मांगी और दोनों युवकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही दोनों युवकों के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ब्लॉक करवाया गया। मैं पुलिस प्रशासन से माफी चाहता हूँ, प्रशासन से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आज से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज से ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये खतरा है ऐसी वीडियो बनाने से, ऐसी खतरा है, जानलेवा जोखिम है। इसे कृपया करके आप लोग भी ना कूदे, कृपया करके आइए, हल्की पौड़ी में आइए और कृपया करके ऐसी वीडियो सारी फेक होती है, कूदने की कोशिश ना करें, इसे जानलेवा खतरा हो सकता है। मैं पुलिस प्रशासन से माफी चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से, मैं गंगा माता से सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज के बाद ऐसी बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।